नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। अजय शर्मा को मिली हिमाचल लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी, अध्यक्ष बनने पर अजय बोले, आयोग में भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा सहन। लोक सेवा आयोग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष धर्मवीर राणा बोले, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए साक्षात्कार प्रणाली को खत्म। हिमाचल में बढ़ते फर्जीवाड़े में निजी विश्वविद्यालयों के बाद अब हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की मिली 6 से ज्यादा फर्जी मार्कशीट। लोगों की लापरवाही से प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा, ऊना, कांगड़ा, शिमला, सोलन में आ रहे सबसे अधिक मामले। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने फिर बढ़ाई चिंता, 24 घंटों में आए 200 पॉजिटिव मामले। मौसम के बदलते मिजाज से मंगलवार को भी बरसे बादल, शिमला, सोलन, कुल्लू में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चौपाल के नेरवा में 300 मीटर गहरी खाई में कार गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। देश में फिर खतरनाक होते जा रहे कोरोना के हालात, बढ़ रही पाबंदियां, अब यूपी में भी स्कूलों पर लगा ताला। नितिन गडकरी बोले, किसानों के प्रदर्शन के चलते NHAI को हुआ 814 करोड़ का नुकसान, पंजाब में सबसे ज्यादा घाटा। असम में होने वाले विधानसभा चुनावों का घोषणा पत्र किया जारी, नड्डा बोले, सही NRC पर करेंगे काम। तो ये थी अब तक की मुख्य सुर्खियां, देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। धन्यवाद।